हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनोद कुमारी सात्विक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल मूंगफली के लड्डू और इन लड्डुओं को खास मकर संक्रांति वाले दिन बनाया जाता है। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं तिल मूंगफली के लड्डू। तिल मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम तिल, 250 ग्राम बादाम और हाफ केजी यहाँ पे मैंने चीनी ली है, चीनी बूरा चीनी है ये, और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम देसी घी लिया है। सबसे पहले हम ये जो मूंगफली है इसको रोस्ट कर लेंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमारी जो मूंगफली है वो रोस्ट हो रही है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। अभी भून गई है हमारी मूंगफली। ये हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक बाउल में डाल देंगे। अभी इसी कढ़ाई के अंदर हम तिल को भी रोस्ट कर लेंगे। देखिए तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं और इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। तो इसको भी अब हम गैस ऑफ करेंगे और ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अभी इसको पहले ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी हम ये बादाम को दरदरा पीस लेंगे। इस तरीके से दरदरा इसको पीसना है हमने, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना। अब ऐसे रगड़ के हम इसके छिलके को निकाल देंगे, सारा छिलका अपने आप निकल जाता है। मूंगफली के सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको भी हम दरदरा पीसेंगे। मूंगफली के दाने जो अब पीस के तैयार हो गए हैं, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो तिल हैं, ये थोड़े से तिल मैं यहाँ निकाल के रख लूंगी। और बाकी के मैं इनको भी दरदरा में पीस लूंगी। तिल भी हमारे पीस चुके हैं, अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है और यहाँ पर जो घी लिया था मैंने 200 ग्राम, उसको मेल्ट कर लेते हैं। अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके बीच में डालेंगे पिसे हुए बादाम। इसको
इसको अच्छे से भून लेंगे। बादाम हमारे भून चुके हैं, अब इसके बीच में मैं पीसी हुई मूंगफली डाल दूंगी। दोनों चीजें हमारी भून चुकी हैं, अब इसको हम बड़े वॉक में निकाल देंगे। बहुत गर्म है और इसके बीच में हम जो तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं वो तिल का पाउडर हम इसके बीच में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अभी हमारा मिक्सचर बहुत गर्म है तो गर्म गर्म मिक्सचर के अंदर हम चीनी नहीं मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे कि हमारे लड्डू ही ना बने। तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा गुनगुना जब हो जाएगा तो हम इसके बीच में चीनी ऐड कर देंगे। इसके बीच में हम ऐड करेंगे एक चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसके बीच में चीनी ऐड करेंगे। ये बूरा चीनी है और चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से बाइंड करने के लिए इसके बीच में फ्रेश मलाई या आप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश मलाई इसमें डाल लेंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम डाल लेंगे इसमें और अपने लड्डू बना लेंगे। जैसे भी साइज के आपको पसंद है उतना बड़ा लड्डू आप बना सकते हैं। अब ये जो तिल मैंने निकाल के रखे हुए थे इसके साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे लड्डू जो है वो बना लेंगे। तो देखिए तिल और मूंगफली के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं
क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है। तो सर्दियों में एक बार हमें इन लड्डुओं को बनाना ही चाहिए। तो इस मकर संक्रांति पर आप भी इन लड्डुओं को अपने घर पर जरूर बनाएं और इस मकर संक्रांति की आप सभी को सात्विक रसोई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।